कैमन मिटनिक जो कि ना सिर्फ ब्लैक हैट हैकिंग की दुनिया का नंबर वन हैकर था, बल्कि एथिकल हैकिंग की दुनिया में भी वो नंबर वन पर ही था। कैवन मिटनिक हमेशा से ही एक टॉप क्लास हैकर रहा है, इसलिए कैवन मिटनिक की हैकिंग से इंस्पायर अब बहुत से एथिकल हैकर्स के माइंड में एक सवाल बार बार जन्म लेता है। वो ये कि कैवन मिटनिक ने जिस दौर में हैकिंग करना स्टार्ट की, उस दौर में तो हैकिंग करने के लिए इतने ज्यादा टूल्स और रिसोर्सेस अवेलेबल ना थे, लेकिन फिर भी कैवन मिटनिक दुनियाई हैकिंग का बेताज बादशाह कैसे बना? आखिर कैवन मिटनिक के पास ऐसी कौन सी सीक्रेट हैकिंग स्किल्स थी जिनको यूज करके वो हर तरह के सिस्टम को ब्रेक कर लेता था? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैवन मिटनिक की उन्हीं पर्सनल सीक्रेट हैकिंग स्किल्स की जिनका कैवन मिटनिक ने उस वक्त यूज किया जब उसकी सारी हैकिंग स्किल्स बार बार फेल हो रही थी। सबसे पहले बात करते हैं कैवन मिटनिक की एक ऐसे सीक्रेट स्किल की जिसका यूज करके कैवन मिटनिक बना फादर ऑफ हैकिंग। मैं बात कर रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग की। एक हैकर इस टेक्निक या स्किल को उस वक्त यूज करता है जब वो बार बार हैकिंग अटैक परफॉर्म करने में फेल हो रहा हो और उस हैकर का टारगेट बार बार उससे जीत रहा हो, यानी उस हैकर को हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने में बार बार नाकामियों का सामना हो। सोशल इंजीनियरिंग कैवन मिटनिक की बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैकिंग टेक्निक थी जिसका यूज कैवन मिटनिक ने बार बार किया। अब यहाँ सवाल उठता है कि सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है? सोशल इंजीनियरिंग दरअसल एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटिव टेक्निक है। इसमें एक हैकर विक्टिम के माइंडसेट और विक्टिम की साइकी से खेलकर अपना टारगेट हासिल करता है। वो सोशल इंजीनियरिंग को अपने विक्टिम पर बहुत ही चालाकी से अप्लाई करता है ताकि वो अपने विक्टिम को आसानी से धोखा देकर अपना टारगेट हासिल कर सके। इस टेक्निक में एक हैकर अपने विक्टिम का माइंड इस तरह से डाइवर्ट करता है कि जो काम हैकर विक्टिम से करने को बोले वो विक्टिम वही काम करे। मतलब अगर एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर अगर इस तरह से किसी हैकर के जाल में फंस जाता है तो हैकर उसको इस तरह से जाल में फंसाएगा कि वो यूजर जरा भी शक ना कर पाए कि वो यूजर हैकर के जाल में फंस चुका है या फिर नहीं। अब हम हैकिंग की इस टेक्निक को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल हैकर और स्कैमर्स इस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक को कुछ इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जिसमें वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस की आवाज को एक दूसरी आवाज में क्लोन करते हैं, यानी वो ओरिजिनल वॉइस की एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करते हैं। फिर हैकर उस डुप्लीकेट कॉपी को यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन से उसके बॉस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। अगर आप वॉइस क्लोनिंग टेक्निक को डिटेल में समझना और जानना चाहते हैं तो ऊपर हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा। आप इस वॉइस क्लोनिंग जो कि मॉडर्न सोशल इंजीनियरिंग की ही एक टेक्निक है, इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अब बात करते हैं कैवन मिटनिक के एक ऐसे सीक्रेट हैकिंग वेपन के बारे में और इस सीक्रेट वेपन को यूज करके कैवन मिटनिक ने बहुत सारे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए, यानी ये उस दौर का सबसे लीथल वेपन था जिसके बारे में कैवन मिटनिक काफी नॉलेज रखता था। आप इस वेपन के खतरनाक होने का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कैवन मिटनिक को अपने हैकिंग क्राइम्स की वजह से अदालत में पेश किया गया तो सरकारी वकील ने जज से ये कहा कि कैवन मिटनिक के पास एक ऐसा सीक्रेट हैकिंग वेपन है जिसका अगर वो यूज कर ले तो ये दो कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर वार स्टार्ट करवा सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीक्रेट हैकिंग वेपन कितना ज्यादा खतरनाक था, और वो कैवन मिटनिक का सीक्रेट हैकिंग वेपन है फोन फ्रीकिंग। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि फोन फ्रीकिंग टेक्निक 90s में बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक मानी जाती थी और जो इस टेक्निक का यूज करते थे उन्हें फ्रीकर्स कहा जाता था। टेलीफोन दरअसल 90s की बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी थी, लग्जूरियस लोग ही इसको यूज करते थे। अब हम टेलीफोन फ्रीकिंग को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टेक्निक होती क्या है। 90s के दौर में जब आप किसी भी इंसान को कॉल करते थे तो वो कॉल डायरेक्ट उस इंसान के पास नहीं जाती थी,
बल्कि पहले वो कॉल टेलीफोन एक्सचेंज में जाती थी जहां पर मैनुअल स्विचिंग हुआ करती थी। यानी टेलीफोन एक्सचेंज का एम्प्लॉय कॉल करने वाले से पूछता था कि आपने किसको कॉल करनी है, तो फिर वो कॉल करने वाला बताता था कि उसने फलां को कॉल करनी है। इस तरह टेलीफोन एक्सचेंज का एम्प्लॉय उस मतलूबा का नंबर डायल कर देता था और दोनों कॉल करते थे। सो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। जैसे जैसे टेलीफोन्स यूजर्स बढ़ने लगे, वैसे ही टेलीफोन एक्सचेंज के लोगों का काम भी बढ़ने लगा। अब उनको मजीद एम्प्लॉयज की जरूरत थी और उनके खर्चे में भी काफी इजाफा हो रहा था। सो फिर टेलीफोन कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना मैनुअल स्विचिंग को अब ऑटोमेटिक स्विचिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इससे उनका काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और उसके बाद मैनुअल स्विचिंग को ऑटो स्विचिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो भी इंसान किसी इंसान को कॉल करता तो उसको मिडल मैन के लिए इंतजार ना करना पड़ता, बल्कि डायरेक्ट ही कॉल मिल जाती थी। अब मिडल मैन की जगह टोन्स ने ले ली थी। यानी आप अगर किसी भी इलाके में कॉल करते तो उस इलाके की एक स्पेशल टोन हुआ करती थी, जिसकी एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी होती थी, जिससे अब मिडल मैन की जरूरत ना रही। इसी तरह एक इंटरनेशनल कॉल की एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी थी जो कि तकरीबन 2600 हर्ट्ज थी। तो अब यहाँ पर काम आता है हैकर्स का, जो इस 2600 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लूप होल्स का फायदा उठाते रहे। तो उस वक्त हैकर्स अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकालते थे जिनकी फ्रिक्वेंसी तकरीबन 2600 हर्ट्ज को मैच कर जाती थी। इस तरह से टेलीफोन्स मैनिपुलेट होकर हैक हो जाते थे। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट एरियाज की टोन्स डिफरेंट होती थी, तो उस वक्त हैकर्स भी उसके साथ अपडेट होते रहे और उन्होंने तब उस दौर में एक डिवाइस यूज करना शुरू कर दी, जिस डिवाइस का नाम ब्लू बॉक्स था। बहुत से हैकर इस डिवाइस को यूज करके टेलीफोन्स की टोन्स को मैनिपुलेट करके उन टेलीफोन सिस्टम को हैक करके मुफ्त कॉल्स करते थे, और तब कॉल करने पर खर्चा भी काफी ज्यादा होता था, इसलिए हैकर्स फोन्स को हैक करके फ्री कॉल्स करते थे। केविन मिटनिक ने भी इस फोन फ्रीकिंग टेक्निक को बहुत ही ज्यादा यूज किया और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस टेक्निक का यूज करके उसने मैनिपुलेट किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे केविन मिटनिक एक आम सा लड़का होकर हैकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना, तो ऊपर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें केविन मिटनिक की पूरी हैकिंग जर्नी कवर कर रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बस इन्हीं दो सीक्रेट टेक्निक्स की वजह से केविन मिटनिक ने हैकिंग की दुनिया पर राज किया। बस इन्हीं दो टेक्निक्स को यूज करके हर बार जब भी केविन मिटनिक अपने टारगेट पर हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करने में फेल हो रहा होता, तो वो इन्हीं दो टेक्निक्स को यूज करता और उस हैकिंग अटैक को सक्सेसफुली परफॉर्म करता। इन दोनों टेक्निक्स में से सोशल इंजीनियरिंग तो आज भी यूज हो रही है, और सोशल इंजीनियरिंग का हैकिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है, जबकि फोन फ्रीकिंग इतनी ज्यादा आजकल यूज नहीं होती।